नमस्कार साथियों, आज हम पहुंच चुके हैं कालीबंगा, विश्व प्रसिद्ध स्थान सिंधु घाटी सभ्यता का। यहां हम आज भ्रमण करने के लिए आए हैं, आपको काफ़ी चीज़ों से अवगत करवाएंगे। बड़ा ही फेमस स्थान है कालीबंगा, राजस्थान का प्रतिनिधित्व करता है ये। यहां से काफ़ी चीज़ें आपको दिखाई जाएगी। आज हम बिल्कुल लाइव कालीबंगा में आपको लेके चलते हैं। जहाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पीछे एक प्राचीन कुआं जिसको सुरक्षित रखा गया है, अभी देख रहे हैं प्राचीन कुआं जिसको बिल्कुल सुरक्षित रखा गया है। बिल्कुल यहाँ पे इस स्थान पे सुरक्षित रखा गया है कुआं। यहाँ एक कुआं था, वर्तमान में इसको एक व्यवस्थित तरीके से यहाँ रखा गया है। बिल्कुल नीचे इसके ऊपर यहाँ पे एक प्लास्टिक का कागज़ लगाया गया है। और ये दूर दूर तक जो आपको टीले दिखाई दे रही हैं, ये कालीबंगा के उत्खनन के हैं, खुदाई के हैं। ये कालीबंगा में मुख्यतः तीन प्रकार के टीले मिले थे हमें, जिसमें से पहला टीला जो था ये इधर दूर गांव आपको दिखाई दिया जा रहा है। इसके बिल्कुल यहाँ इस साइड में पश्चिमी पूर्वी टीला था, ये वो पश्चिमी टीला है। और पश्चिमी टीले के बिल्कुल दक्षिण में पश्चिम के टीले का दूसरा भाग, जिस पर अग्निकुंड के साक्ष्य बताए गए हैं। तो अग्निकुंड के जो साक्ष्य बताए गए हैं, क्योंकि पश्चिम में दो टीले थे, एक ये जो आपको दिखाया गया है बिल्कुल सामने, यहाँ पे निवास स्थान होता था लोगों का। और जो पश्चिम टीला था, पश्चिम टीले का बिल्कुल दक्षिण का हिस्सा था, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। मेरे बिल्कुल दक्षिण में थोड़ा दूर आपको दिखाई दे रहा है ये एक नीला सा स्थान। यहाँ पे अग्निकुंड के सात वो अग्निकुंड मिले हैं जहाँ से धार्मिक अनुसंधान होते थे। जो हमें अग्निकुंड मिले हैं, बिल्कुल हम उनके पास चलते हैं, उनको देखते हैं किस प्रकार के अग्निकुंड थे, लेकिन हमें पूरी तरह से दिखाई नहीं देंगे। फिर भी जो उनको कवर किया गया है वो हम देखने का प्रयास करेंगे। बड़ी ही महत्वपूर्ण जगह है, महत्वपूर्ण स्थान है। साथियों, हम पहुंच गए हैं जो अग्निकुंड हमें बताए गए हैं कालीबंगा में, सिंधु घाटी सभ्यता में जो अग्निकुंड बताए गए हैं, हम उनके बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं। और यहाँ से हमें सात अग्निकुंड मिलते हैं जिनको कवर किया गया है। हम देख रहे हैं कि ये जो स्थान है, यहाँ अग्निकुंड थे, वर्तमान में यहाँ खुदाई चल रही है। और ये जो अग्निकुंड है, इनको भी कवर किया गया है। ये देखो, बिल्कुल पास से दिखाने का आपको प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ से हमें अग्निकुंड के जो साक्ष्य मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता में, एक स्थान कालीबंगा जहाँ से अग्निकुंड के हमें साक्ष्य मिले थे, बिल्कुल आपके सामने टीले पर। और वो जो दूर आपको एक दक्षिण टीले पर जो साइड दिखाई दिया जा रहा है, उसके ऊपर एक कुआं था जिसको कवर किया गया है। इस कुएं से हमें पशुओं की हड्डियां मिली है, अधजली हड्डियां मिली है। और यह माना जाता है कि यहाँ के लोग मांसाहारी थे, बिल्कुल दीनहीन बस्ती थी, लेकिन लोग मांसाहारी थे, मांस का उपयोग करते थे। और यहीं पर सवाधान की प्रथा वो भी हमें मिलती है। और ये शमशान घाट का क्षेत्र कहा, ये जो क्षेत्र आपको दिखाया गया है, यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान होता था, लोग धार्मिक क्रियाएं करते थे। इसके बाद हम चलते हैं ऊपर उस थेड़ की तरफ जहाँ पे वो साइड लगा हुआ है, वहाँ थोड़ा सा देखते हैं कि वहाँ क्या कुछ मिलेगा। यहाँ की जो ईंटें हमें मिली है, 12 इंच बड़ी ईंट है और 6 इंच चौड़ी ईंट है, काफ़ी बड़ी बड़ी ईंटें हमें मिलती है, वो भी आपको दिखाने का प्रयास किया जाएगा। ईंटों के अलावा अगर हम चर्चा करें थोड़ी, तो ये जो ठीकरा मिला है, हमें मर्दभांड मिला है, लगभग 1 इंच मोटा है और काफ़ी बड़ा ये किसी मर्दभांड का टुकड़ा है, मिट्टी का विशाल अगर कोई घड़ा रहा होगा, जिसका एक टुकड़ा मिला हमें और काफ़ी ये मजबूत है। इसके बाद ये एक घड़े का टुकड़ा मिला है जिस पे लाल रंग की आकृति बनी है, लाल रंग की रेखा खींची गई है। इसके अलावा हमें ये देखिए, बड़ी शानदार तरीके से इस पे कुछ कलाकारी की गई है, जिसमें लाइनिंग, जैसे हम अध्ययन करते हैं सूत छाप या सूत की रस्सी छाप, मर्द भांड बोलते हैं, रस्सी छाप मर्द भांड भी यहाँ से हमें मिलते हैं, काफ़ी मजबूत है ये, देखिए मोटाई इसकी। इसके बाद हम देखें तो यहाँ ये बिल्कुल मटके का नीचे का सिरा, ये भी एक अलग प्रकार का बनाया गया है, बिल्कुल पतला सिरा बनाया गया है। जिस ईंट की हम चर्चा कर रहे थे, वो ये ईंट बिल्कुल 1 फिट की ईंट है, 12x6, ये देख ली कितनी बड़ी ईंट है, 12x6 की ईंट। इस प्रकार की पक्की ईंटें भी यहाँ से हमें काफ़ी मात्रा में मिलती है।
एक अवशेष हमें मिला है जिसमें ये देखिए ये बर्तन का कोई भाग है, बर्तन का टुकड़ा है जिसमें लाइनिंग की गई है, अलग कलाकारी की गई, बिल्कुल पतला है, महीन पतला है, और इसके बिल्कुल पीछे भी थोड़ी कलाकारी की गई है इस प्रकार की, ये इसके अंदर भी लाइनिंग सी खींची गई है, तो ये एक विशेष कला थी सभ्यता की। यहाँ पे हम आपको एक चीज़ दिखा रहे हैं, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में संभवतः कोई मकान रहा होगा जिसके अवशेष इस खंडहर में हमें मिलते हैं, और यहाँ पे हमें पक्के ईंटों की दीवार भी मिलती है, ये बिल्कुल आपके सामने पक्के ईंटों की दीवार, और इस मकान की बिल्कुल पश्चिम में अगर हम बात करें, जहाँ ये हमारा कैमरा जा रहा है धीरे धीरे पश्चिम में, तो यहाँ एक आपको रास्ता दिखाई दे रहा है जो बिल्कुल घग्गर नदी की तरफ जा रहा है। घग्गर नदी यहाँ से बमुश्किल लगभग 300-400 मीटर की दूरी पर घग्गर नदी, उसके किनारे पर बसी ये सभ्यता, और हम खड़े हैं घग्गर नदी के बाएं किनारे पर।